हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो ये समझिए कृषि से रिलेटेड आर्टिकल आया था जो कि समझिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है। और जो भी किसान की समस्या है समझिए और जो समस्या अभी है तो देखेंगे और बढ़ते जा रही है, तो इसको लेकर आर्टिकल आया था जिसमें आपको पूरी चीजें पता चलेंगी। तो आप समझिए जो किसान या फिर देखेंगे ये सब जो मुद्दा रहता है तो उस पर लोग ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते हैं और ज्यादातर लोग जो देखेंगे तो मतलब समझिए देखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें मसाला नहीं है। तो अब इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अभी हुआ क्या है, मतलब जो समझिए जो देखेंगे 2023-24 का GDP का आंकड़ा आपको देखेंगे, सेकेंड क्वार्टर का यहाँ पे आंकड़ा जारी किया गया है, तो इसमें 7.7 का GDP ग्रोथ है। लेकिन आप देखेंगे जो GDP ग्रोथ मतलब समझिए कि अब उसमें सेक्टर भी होते हैं कि कृषि सेक्टर का कितना ग्रोथ कंट्रीब्यूशन है उसमें, फिर देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी देखा जाता है, फिर सर्विस सेक्टर का भी देखा जाता है। तो अभी हुआ क्या है आपको देखने को मिलेगा, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ है तो वो तो मतलब इंक्रीज हुआ है वो, जो कि सही बात है। लेकिन कृषि सेक्टर में आप देखेंगे ग्रोथ बहुत ज्यादा नीचे आ गया है, तो 1.2 देखेंगे परसेंट का ग्रोथ रह गया जो कि बहुत बड़ा देखेंगे कि ये नीचे फॉल होते जा रहा है। तो समझिए सरकार जो अभी इतने बड़े देखेंगे कि दावे किए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं लोगों की जो कृषि सेक्टर है हम उसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ग्रोथ जो है ये समझिए 2.5% से स्लिप होके बिल्कुल 1.2% पे आ गई है। तो इसमें ये चीजें डिस्कस की गई हैं, क्या क्या समस्या है समझिए, इससे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, किसानों को तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है, हमेशा से वो फेस ही कर रहे हैं समझिए। एक तो देखेंगे कि वो कर्ज के तले जो है वो दबते जा रहे हैं, तो इसमें आंकड़ा भी दिया गया है, तो 16 करोड़ जो किसान है समझिए उन्होंने लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, जिसके वजह से देखेंगे उनको तरह तरह की दिक्कतें होती हैं क्योंकि इनकम आप देखेंगे तो नहीं होती है, इनकम नहीं होती है, साथ में आप देखेंगे तो उनको ये भी आपको देखने को मिलता है उनके पास कोई सुविधा नहीं है जो कि वो पैसा मतलब जो फसल उगता है उस टाइम वो स्टोर कर सके, तो उनको चीप प्राइस में ही वहां पे बेचना पड़ता है, वो बस सोचते हैं कि कैसे भी उनका फसल बिक जाए। तो ये सब चीजें देखेंगे तो इस आर्टिकल में पूरी तरह से डिस्कस की गई है। तो सबसे पहले ये जो आंकड़ा आया था उसको लेके ये आर्टिकल आया है, जो समझिए कि जो कृषि सेक्टर का ग्रोथ आप देखेंगे तो कृषि सेक्टर का ग्रोथ एक तो देखेंगे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी ज्यादा ग्रोथ नहीं रहता है, ये भी आपको बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ग्रोथ जो देखेंगे 3-4% ऐसे ही रहता है मुश्किल से, लेकिन अभी इंडियन देखेंगे जो कृषि का ग्रोथ है तो ये बहुत ज्यादा नीचे आ गया है और ये 1.2 पे आ गया है जो कि बहुत ही समझिए कि बड़ी बात है। तो इससे होगा क्या समझिए कि किसानों पर प्रभाव पड़ने वाला है ये बताया गया है, और देश के लिए जो खाद्य सुरक्षा होती है मतलब आपको समझिए जो खाना मिलता है तो वो कृषि सेक्टर से ही आता है। अब इसमें ग्रोथ अगर रुक रही है तो समझिए प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर यहाँ पे कृषि जो देखेंगे तो इन्फ्लेशन भी मतलब जो समझिए कि खाने की वस्तुएं हैं उनकी प्राइस भी बढ़ेगी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तो आप देखेंगे गरीबों के लिए पहले से ही दिक्कत है, अगर अब यहाँ पे मतलब समझिए अगर अनाज में कमी होती है हमारे प्रोडक्शन में तो और दिक्कत हो सकती है। तो इसमें हुआ क्या है, तो GDP में आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन जो रहता है समझिए तो ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है और जो ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मतलब समझिए ऐसा है कि 16% का ही कंट्रीब्यूशन है GDP में पूरी तरह से आप देखेंगे तो कृषि सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का ज्यादातर कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ पे मिलती है, तो कृषि सेक्टर में ही मिलती है आपको देखने को मिलेगा। 16% तो इनकम पूरे देश का मतलब समझिए कि हो रहा है कृषि से, लेकिन अब इसमें लोग कितने लगे हैं, तो 50 से 55% लोग देखेंगे कृषि सेक्टर में लगे हैं जहां से इनको रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है समझिए। अगर इसकी ग्रोथ कम होती है और ग्रोथ जैसे कम होगी तो अब होगा क्या समझिए कि ये लोग जो है समझिए पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, जो कि बेरोजगारी की समस्या हमारे यहाँ पे पहले से ही है। अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो देश की और ग्रोथ रुक सकती है। तो 55% लोग लगे हुए हैं, अगर इनको समझिए इनकम नहीं होता है, जब इनकम कैसे होगा अगर इसमें ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ ही देखेंगे तो कृषि सेक्टर में ग्रोथ ही अभी रुक गई है। तो इसको लेके आर्टिकल आया था, फिर इसमें बताया गया कि समझिए खाद्य जो सुरक्षा होती है मतलब जो समझिए कि आप जो लोग अनाज खाते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, आपको ये भी देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इससे भी दिक्कत होगा। इससे क्या दिक्कत होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो एक तो प्रोडक्शन कमी होती जा रही है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आप देखेंगे तो पॉलिसी एक नंबर की समझिए यहाँ पे बेकार पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा, सब्सिडी बस देते जा रही है गवर्नमेंट। सब्सिडी में क्या होता है, इंस्टेंट किसान को फायदा पहुंचाया जाता है, मतलब समझिए डायरेक्ट आपको फायदा पहुंचा दिया गया वहां वोट बैंक पॉलिसी के लिए। आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सब्सिडी शुरू से ही देते आ रही है, सब्सिडी देना सही है लेकिन एक लेवल के बाद सब्सिडी सही नहीं होता है, और सब्सिडी से ज्यादा सही होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें समझिए, जो ये कोल्ड स्टोरेज है इनको अच्छा बनाए,
जो अब हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की भी देखेंगे समस्या है। अब किसान जैसे उनका प्रोडक्शन होता है देखेंगे, अब जैसे गेहूं का प्रोडक्शन हुआ उस टाइम देखेंगे गेहूं की कटनी हुई, सभी चीजें हो गई, तो उनके पास क्या रहता है, स्टोर करने की चीजें नहीं है, स्टोर करने की चीजें नहीं है, तो उनको इंस्टेंट बेचना पड़ता है, समझिए मतलब उसी टाइम में बेचना पड़ता है। तो उससे होता क्या है, अब जितना भी प्राइस मिलता है वो उसी में बेच देते हैं, लेकिन अब प्राइस कब बढ़ती है समझिए, अब गेहूं जब कटा उसके बाद देखेंगे 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जाके प्राइस बढ़ती है, क्योंकि उस टाइम जो समझिए गेहूं नहीं अवेलेबल रहता है मार्केट में उतना, तो उस टाइम प्राइस बढ़ती है। लेकिन उस टाइम अब किसानों के पास ऐसा नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज है चाहे जो भी है उसमें वो स्टोर करके रख सके, उनको काट के उसी टाइम बेचना पड़ता है। तो क्या करते हैं जो बड़े व्यापारी रहते हैं वो कम दामों पे ले लेते हैं, फिर वो स्टोरेज की व्यवस्था अपना करते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, और फिर जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो आपको बेच दिया जाता है। चाहे आप कुछ भी देखें, अब 20 रुपए केजी ही समझिए जो गेहूं है, फिर देखेंगे या फिर धान जो होता है 20-30 रुपए केजी आपको मार्केट मतलब किसानों को बेच देना पड़ता है। लेकिन अब इसमें देखेंगे तो प्रोडक्शन तो वो पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन मिडिल मैन का इसमें देखेंगे तो मतलब समझिए दोगुना से भी तिगुना तक फायदा होता है, 80 रुपए 100 रुपए ऐसे देखेंगे तो चावल यहाँ पे बेचा जाता है। तो ये क्या होता है, मिडिल मैन जो कि कुछ नहीं किए, बस स्टोर कर लिए वहां पे, स्टोर कर लिए या फिर देखेंगे उनके पास ऐसा है पॉलिश वगैरह करा लिए चावल को, और फिर बेचते हैं मार्केट में, तो किसानों से समझिए 2 गुने का उनको फायदा हो जाता है यहाँ पे, ये देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रही है, आप चाहे सिंचाई भी सुविधा में आप देख सकते हैं, तो जो सिंचाई की सुविधा होती है अभी भी 70 साल 75 साल हो गए, लेकिन कृषि में देखेंगे तो सिंचाई की सुविधा अभी भी नहीं हो पाई है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंकल से ना छिड़काई होती है, तो अब यहाँ पे पानी भी देखेंगे तो अभी तक जो है ये मानसून पे हमें आश्रित रहना पड़ता है, कि कृषि में इतना बोला जाता है कोई सुधार नहीं हुआ है, समझिए अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नीचे लेवल पे है। इससे क्या हो रहा है, पानी की भी समस्या हो रही है, अब हमारे पानी पटाने का जो आप देखेंगे तो ये तरीका कैसा, हम जाके खेतों में पानी को भर देते हैं, जिससे क्या है कि ग्राउंड जो वाटर टेबल है वो नीचे गिर रहा है, साथ में जब समझिए खेतों में पानी भर जाता है, पानी क्या है, पानी तो समझिए कि या तो उड़ जाता है धूप से या फिर मतलब जमीन के नीचे चला जाता है, और जो नमक बचता है पानी का वो रह जाता है, जिससे कि हमारी समझिए जो सॉइल होती है मिट्टी उसकी भी प्रोडक्शन मतलब कैपेसिटी वो भी कम होते जा रही है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम कहीं भी स्प्रिंकल से जो छिड़काई होती है आप देखेंगे उसकी व्यवस्था अभी भी नहीं कर पाए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बिल्कुल कुछ कृषि में नहीं कर रहे हैं। एक आपको देखने को मिलेगा MSP, हम आके यहाँ पे बोल देंगे MSP दे देंगे, ये कर देंगे किसान को, ये वो योजना डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा डालना, तो इन सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। आप उसको देखेंगे तो या तो इंश्योरेंस दीजिए या फिर समझिए कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत सुधार करने की जरूरत है, जो कि नहीं हो रहा है, तो ये देखेंगे धीरे धीरे प्रोडक्शन गिर रहा है। अब लोगों को लगता है कि मतलब भारत बहुत बड़ा है, ये प्रोडक्शन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप समझिए चीन से कंपेयर जब करेंगे तो बहुत हम नीचे हैं, वो हमसे 2 गुना 3 गुना और 4-4 गुना देखेंगे कि हर एक सेक्टर में देखेंगे प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं कृषि क्षेत्र में, और वहां पे देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्रिएट किए गए हैं। आप समझिए हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ही इतना है, इस वजह से इतना प्रोडक्शन हो रहा है। US वगैरह में देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो GDP में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन वो लोग कर देते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब अगर आप देखेंगे तो आप 1 कट्ठा में जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा उसके अनुसार आप देखेंगे तो US में 3 से 4-4 गुने तक ज्यादा प्रोडक्शन होता है, समझिए। तो हम यहाँ पे लोग तो ज्यादा लगे हैं, कंट्रीब्यूशन भी बहुत मतलब उतना GDP में है नहीं, समझिए लोग बहुत ज्यादा लगे हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो समझिए प्रोडक्शन गिर रहा है तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ये इसमें बताया गया था पूरी आर्टिकल में कि ये धीरे धीरे गिर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी दिक्कत आ सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, तो ये सब इस पे अब ऐसा है कि देखेंगे कि तो इन सब टॉपिकों पे लोग नहीं चाहते हैं वीडियो बनाना और लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, तो लेकिन फिर भी अपना जो फर्ज है वो मैं अपना मतलब जो आर्टिकल आता है इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो कि सबको जानना चाहिए वो डिस्कस कर देता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।